आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is, an individual with Down's syndrome has blank copies of 21st chromosome 1, 4, 3 and 2. तो जिस पर्सन को इंडिविजुअल को डाउन सिंड्रोम है वहाँ पर 21st क्रोमोसोम की कितनी कॉपी प्रेजेंट होंगी। ओके, तो ये हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का एग्जांपल है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर वो होते हैं जो या तो जहाँ पे या तो क्रोमोसोम के एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होगी या फिर जो क्रोमोसोम होगा वो उसकी एक कॉपी एब्सेंट होगी। ओके, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द क्रोमोसोम। तो यहाँ पे डाउन सिंड्रोम के अंदर एडिशनल कॉपी प्रेजेंट होती है क्रोमोसोम नंबर 21 की। ओके, तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है और कौन सा क्रोमोसोम होगा? 21st। इसीलिए इस डिसऑर्डर को ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। तो दो कॉपी तो हमारी ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं, नॉर्मल सेल्स देखें तो डिप्लॉयड सेल्स होंगी, दो कॉपी ऑलरेडी प्रेजेंट होंगी, लेकिन यहाँ पे एक और एक्स्ट्रा कॉपी प्रेजेंट हो जाती है। तो टोटल कितनी कॉपी हो गई हमारी एक्स क्रोमोसोम की? 3 कॉपी। इसलिए इसको ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा वो कैसा होगा? शॉर्ट, पार्शियली ओपन माउथ, और जो मेंटल डेवलपमेंट होगी वो उसकी रिटार्ड हो जाएगी। तो ये हमारे कुछ सिम्टम्स हैं इस डिसऑर्डर के। तो कॉपी मेनली हमसे पूछा गया था कि क्रोमोसोम 21 के कितनी कॉपी प्रेजेंट होंगी, तो 3 कॉपी प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा 3rd। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।